सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव से। भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर को अच्छे तरीके से सजाया गया है। आज यहां पे है द्वादशी मेला। अभी सुबह के टाइम पे ही मंदिर प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है और थोड़ी देर में यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। मेला सब सुनते ही आप सभी के मन में एक ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि बड़ी बड़ी चरखियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों के मेले धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं। अब आज यहाँ मेला लगा है तो मार्केट में बहुत अच्छी रौनक दिखाई दे रही है, कई सारी छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। अब हम यहाँ त्रियुगी नारायण गांव में आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर से मिले हैं अपने उत्तराखंड से, तो एक एक करके मिलवाते हैं सभी से। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलिए उत्तराखंड वाली। हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है केदारनाथ वैली में। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सजवान ब्लॉग्स, स्वागत है आपका भी केदारनाथ वैली में। और मिलिए अपने मध्वेश्वर वैली के जाने माने यूट्यूबर कूल पहाड़ी दीपक विश से। क्या हाल है? कैसा रहा सफर? तो यहाँ पे मिलिए सुयश सतवाल भाई से। कैसा रहा आपका मध्वेश्वर वैली का सफर? बहुत बढ़िया भाई। क्या हाल है? बहुत अच्छा लगा दोबारा। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा, पहले मिले थे हम। और ये है जी रांची गांव से आरटीके ब्लॉग्स, क्या हाल है भाई के? अपने रुद्रप्रयाग से अमित नेगी ब्लॉग्स, तो अच्छा लगा इनसे भी मिलके। और सुयश भाई के साथ ये भाई जी हैं, आपका नाम? विकास भाई। तो मिलिए यहाँ पे दो जाने माने चेहरों से। ये हैं अनु भाई। ये हैं आखी भाई। हेलो गाइस। ये हैं रांची गांव से, और अनु भाई को तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं, सभी की वीडियो में आपको यहाँ मेले की जानकारी मिलेगी, मेले के बारे में देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखते हैं कि मेले में क्या क्या चीजें और होती हैं और कितने लोग हमको और यहाँ मिल पाते हैं। आज के मेले का जो मेन सीन है उसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, और जगह खोजना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि क्या बोलें। सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी इसी छत पे हैं, यहीं से सारे अपनी अपनी वीडियोस बनाएंगे। अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा हमें देखने के लिए। बिल्कुल, सब एक साथ देख लो नीचे से। कोई अगर सभी का एक व्यूअर आएगा ना उसको सारे मिल जाएंगे आज यहाँ पे। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और जो गांव की महिलाएं हैं जिनको पता है कि यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके हैं जिससे कि भगवान जी के अच्छे से दर्शन हो जाएं। मेले में सब कुछ सही चल रहा था और सभी लोग अपने अपने तरीके से मेले को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ एक ऐसा हादसा हुआ जो दिल दहला देने वाला था। तो आज के दिन पे हमारे तो यहाँ नीचे देखिए धुआं आ रहा ना, तो यहाँ पे कोई सिलेंडर फटा है अभी, गैस सिलेंडर। तो अभी यहाँ से ये वाला रूट बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे अभी भी आग लगी हुई है, और जितने भी यात्री लोग जा रहे हैं इस वाले रूट से जा रहे हैं जो पुराना रास्ता है मंदिर जाने का। और अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित थे। और देखते ही देखते मंदिर प्रांगण में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई है भगवान श्री नारायण के दर्शन करने के लिए। और आज के दिन पे यहाँ पर भक्तजन नारायण थाल के साथ मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और साथ ही साथ भगवान क्षेत्रपाल जी अपने नर बसवा पे अवतरित होकर सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके साथ साथ भगवान श्री नारायण की वामन अवतार अपने नर बसवा पे अवतरित होकर सभी भक्तजनों को दर्शन देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का फल भी देते हैं।
ये बावन द्वादशी मेला 3 तारीख से शुरू हो जाता है, 3 को हरियाली होती है, हरियाली के बाद निसंतान दंपतियां पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर व्रत रखती हैं। व्रत के पहले दिन से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम होती है, जिसमें प्रदेश भर के बड़े नामी गिरामी गायक यहाँ पर आते हैं। और इसको सांस्कृतिक और धार्मिक मेले से जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वस्थ मनोरंजन के साथ लोग धार्मिक अपने इष्ट को अपने आराध्यों के दर्शन के साथ स्वस्थ मनोरंजन कर सकें, ये हमारा मुख्य ध्येय है। इसी के साथ आज ये बावन द्वादशी मेला यहाँ पर सम्पन्न हो चुका है। और जिन छतों में खूब भीड़ भरी थी अभी सुनसान से लग गए हैं, तो यही होता है मेले के टाइम पे खूब रौनक रहती है, उसके बाद फिर सुनसान सा माहौल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा था हमारा आज का त्रिजुगी नारायण का मेला, और अगले साल फिर जरूर मिलेंगे। अगले साल भी दीदी है प्रधान, तो देखते हैं अगले साल कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे आपको। अब मेला है तो यहाँ खूब सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, कुछ लोग शॉपिंग करके घर को निकल पड़े हैं और कुछ यहीं अभी मेले में घूम रहे हैं मस्त मजे से। तो यहाँ से हमारे जो 3 दोस्त हैं वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ठीक है अमित भाई, ठीक है सजवान ब्लॉग से, ठीक है उत्तराखंड वाले, आते रहिए केदारनाथ वैली में, ठीक है फिर ओके जी, जरूर जरूर जरूर, बाय बाय। देखो जी और चीजें तो होती रहेंगी, सबसे पहले है पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। बिल्कुल यहाँ पे पूरियां आई हैं, छोले आए हैं, इनका आनंद लेते हैं। अभी ये टाइम है घर जाने का मेले से, तो सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, खूब सारी दुकानदारों को भी अपना सामान बेचना है, ग्राहकों को भी खरीद के घर जाना है। जीवन के हर उम्र में ना मेले का अर्थ कुछ अलग ही रहता है। बचपन में सिर्फ रहता है कि घर से पैसे मांगो, अपने लिए खिलौने खरीदो और सारी दुकानें मन करता है अपने घर ले जाएं। उसके बाद जवानी में जाते हैं तो उस टाइम ये रहता है कि यार दोस्तों से मिलना, अपने पुराने स्कूल टाइम के दोस्तों से मिलना, और बुढ़ापे में ना ध्यान जो है धार्मिक चीज़ों की ओर ज़्यादा लग जाता है। तो यही होता है, और मेला ऐसी चीज़ है ना जिसमें ये सब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो मतलब सभी के काम की चीज़ है। तो बचपन में इन सब चीज़ों के लिए आते थे हम मेले में। देखिए रिमोट वाली गाड़ी हथियार भी सी, चलो भाई लड़े ना करे भाई। शाम हो चुकी है और अभी यहाँ मेले में सिर्फ आसपास के गांवों से ही लोग हैं, जैसे सीतापुर, रामपुर, त्रिजुगी नारायण और तोसी गांव के, बाकी दूर दूर के गांव के लोग निकल चुके हैं अपने अपने घरों को। तो सुबह के टाइम पे जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उससे आसपास की दुकानों पे बहुत ही असर पड़ा। अब जब पूरी आग बुझा दी गई उसके बाद ही वहाँ की दुकानें खुली और यहाँ के इस रास्ते पे लोगों को आने जाने दिया गया। अगर आप लोग त्रिजुगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो साल भर यहाँ मंदिर खुला रहता है, और यहाँ गांव में ना होम स्टे, होटल, रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएँ आपको मिल जाएंगी। और सोनप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मेले के समापन के बाद मंदिर की सफाई का काम अभी चल रहा है। शिवालयों के ऊपर से आपने देखा होगा कि एक शेर की बड़ी सी प्रतिमा रहती है, वो शक्ति का प्रतीक होता है, और यहाँ पे श्रीहरि का मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर के ऊपर से गरुड़ महाराज जी की एक बड़ी सी मूर्ति टाइप की है। तो चलिए जी इस बार का कुछ ऐसा था हमारा त्रिजुगी नारायण का मेला। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।